हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सब ठीक हो ना? तो हमारा ऑलरेडी लेक्चर चालू है जनरल मेन सीटी का, मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनोमियल थ्योरम वॉल्यूम वन का. ओके, तो हमारा चैप्टर चालू था. लास्ट वीडियो में हमने देखा था बायनोमियल थ्योरम में किसी भी चीज़ों को अगर हम एक्सपांड करते हैं, जैसे कि ए प्लस बी का होल क्यूब आया है, ए प्लस बी होल रेशियो 7 आया, उसको हम एक्सपांड करते हो तो उसका कोई भी टर्म अगर फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला है आपके पास, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए रेज टू एन माइनस आर इन टू बी रेज टू आर. तो उस वीडियो कंटिन्यू करते हैं आगे. क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा था. 14 टर्म, ध्यान से पढ़ना, द 14 टर्म फ्रॉम द एंड. ध्यान से, कुछ बच्चे गलती करके इसको सिर्फ पढ़ लेंगे 14 टर्म फाइंड करना है, फट से सॉल्व कर लेंगे, गलत है. 14 टर्म फ्रॉम द एंड मतलब पीछे से 14 टर्म. अब मुझे बताओ, सबसे पहली बात, किसी भी एक्सपांशन, अगर मैं बोलूं आपको ए प्लस बी होल रेस टू 5 में कितने टर्म होंगे मुझे बताओ. चलो टोटल 6 टर्म होंगे. कभी भी जो पावर रहता है उससे एक टर्म ज्यादा होता है, याद रखना. जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म मालूम होगा आपको, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में कितने टर्म होते हैं, एक होता है ए स्क्वायर, एक होता है बी स्क्वायर, एक होता है 2ab. पावर 2 है लेकिन टर्म 3 है. ये तुम्हारा क्या हुआ, 3 टर्म हुए. ए प्लस बी का होल क्यूब, क्यूब है लेकिन टर्म 4 है, ए क्यूब, बी क्यूब, 3a² b, 3ab². तो जो पावर रहता है उससे हमेशा एक क्या रहता है, ज्यादा टर्म रहता है. तो वैसे यहां पर देखो 17 पावर है, यानी इसमें टर्म कितने होंगे, टोटल 18 टर्म होंगे. अब मुझे बताओ 18 टर्म से अगर पीछे 14 टर्म आएंगे तो कितना आएगा. 18 से हम लोग 14 गिनेंगे पीछे की तरफ, अपने को आगे से नहीं पीछे से आना है. तो 18 से अपन गिनो पीछे की तरफ, 14 बार गिनो, 18 फिर तुम्हारा 17 16 15 14 फिर 13 12 फिर तुम्हारा क्या हुआ 11 10 फिर 9 8 7 6 5, यानी पांचवा टर्म अपने को निकालने का है. 18 से 14 पीछे आओ तो कितना आएगा, फिफ्थ. यानी हमको यहां पर कौन सा टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म निकालना है. आंसर शायद आपको देख के समझ गया होगा, यही आंसर हो सकता है, देखते हैं, नन भी निकल सकता है. तो अपने को कौन सा टर्म निकालना है, फिफ्थ टर्म. और फिफ्थ टर्म के लिए आर की वैल्यू क्या लेंगे, 4, मैंने बताया एक कम लेने का हमेशा. ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, आगे वाली रूट एक्स. बी की वैल्यू क्या होगी, पीछे वाला साइन के साथ माइनस रूट वाई. एन की वैल्यू क्या होगी, 17. ओके, अपन सॉल्व करते हैं. मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं टी आर प्लस वन. आर प्लस वन मतलब क्या, आर की वैल्यू कितनी है, 4, प्लस वन कहते कितना हो जाएगा, 5. ये सॉल्व करना डायरेक्ट आपको आता है. एन सी आर, एन की वैल्यू कितनी है, 17. सी आर की जगह भी क्या है, 4, सॉरी आर के जगह पे क्या है लेना अपने को, 4 4 4. ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी भाई, रूट एक्स है. क्या है, एन माइनस आर. एन माइनस आर मतलब क्या होता है, एन कितना है, 17 माइनस आर. तो बताओ 17 माइनस 4 कितना होता है, 13 होता है ना, इन टू बी रेस टू आर. बी की वैल्यू कितनी है, माइनस रूट वाई. तो यहां लेंगे अपन माइनस रूट वाई रेस टू आर. आर की वैल्यू कितनी है, सिंबल सिंबल देखो, इसको सॉल्व करना नहीं है आपको, ये तो कहीं भी सॉल्व नहीं है, इसको ऐसे रखना है. वैसे आपको आपका आंसर मिल गया होगा, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं आगे. अब मुझे बताओ x, यहां पर रूट एक्स रेस टू 13 है. अब यहां पर x के ऊपर दो पावर है, एक तो रूट है, रूट मतलब 1/2, और एक पावर है 13. यानी पावर के ऊपर पावर, यानी हाफ और 13, तो क्या बन जाएगा ये, 13/2. जैसे कि आपने सीखा होगा ये रूट एक्स मतलब क्या हुआ, एक्स रेस टू हाफ हो गया, और रेस टू क्या है, 13. तो ये बन जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडेक्स एक्स रेस टू 13/2. मिल गया ऑप्शन, डायरेक्ट टिक मार्क कर सकते हो. फिर बता रहा हूं आगे मैं, इनटू माइनस रेस टू 4, हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का इवन पावर लोगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा. रूट वाई को 4 बार मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा तुम्हारा, वाई स्क्वायर. कौन सा ऑप्शन है तुम्हारा, ओके कॉपी कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, इफ द कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट पता है ना क्या होता है, एक्स के साथ वाला. अगर मैं बोलूँ आप लोग को 12x² और पूछू बताओ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2. ओके, तो इस तरह यहां पर कोएफिशिएंट बोल रहा है. अगर कोएफिशिएंट किसका, फोर्थ टर्म का, इस बार सिर्फ फोर्थ बोल रहा है, एंड वेंड नहीं बोल रहा है, तो फोर्थ मतलब आगे से गिनना है अपने को. फोर्थ टर्म किसका, इन द एक्सपांशन ऑफ ये, अगर 56 है मतलब आपको आंसर में फोर्थ टर्म आपको कितना दिया है, 56 दिया हुआ है,
किसका एक्सपांशन में, इसका एक्सपांशन में। तो अपने को पता है ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू बी है, एन की वैल्यू भी एन ही है, बस आर बचा। तो आर अपने को पता होगा फोर्थ टर्म मतलब क्या होंगे, थ्री लेंगे, डाल दो फॉर्मूले में, अपने को क्या निकालने का, एन निकालने का है। चलो टी आर प्लस वन, आर प्लस वन कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, थ्री लिया ना अपन ने। एन सी आर, एन पता नहीं, आर पता है, थ्री इंटू ए, ए की वैल्यू ए ही है, एन माइनस आर, एन माइनस आर, एन माइनस आर कितना होता है, एन कितना है हमारा, एन निकालना है, एन कितना है फोर माइनस थ्री इंटू बी, बी मतलब क्या है, बी का बी ही है, रेस टू क्या है आर, आर मतलब क्या है थ्री, ये एन है। हाँ इसकी वैल्यू आप लोग कितनी दी हुई है, 56 दी हुई है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्सपांशन ऑफ ए इज 56, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फोर टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ 56, अब फोर टर्म को दिया हुआ है तो यहां तुम पुट करोगे कितना, 56 पुट करोगे, ओके वैल्यू क्या आएगा बताओ, एन सी थ्री, एन सी थ्री इंटू इधर क्या है ए रेस टू एन माइनस थ्री इंटू क्या है बी रेस टू थ्री, ओके। अब एक काम कर सकते हैं, अब मुझे बताओ सिंपल बात है, आप एन में क्या पुट करोगे कि उसका, अब देखो यहां पर क्या बोला है, अपना आंसर क्या है 56 है, मतलब इसमें कोई एक्स का टर्म नहीं है, कोई ए का टर्म नहीं, कोई बी का टर्म नहीं, इसके अंदर बताओ ये जो टर्म आया है उसमें कोई ए और बी है क्या, नहीं है, ए और बी कुछ है ही नहीं, मतलब ये आपको कंसिडर करना ही नहीं है क्योंकि आपका ये टर्म आंसर में आएगा ही नहीं, उसने डायरेक्ट आपको क्या दिया है 56 दिया हुआ है। अगर साथ में ए भी होता तो मैं कंसिडर करता, 56 खाली एक नंबर है, तो ये तुम्हारा नंबर नहीं, नंबर ही तुम्हारा एक कॉन्शन ये आएगा, तो ये किसके बराबर हो गया, एन सी थ्री किसके बराबर हो गया 56। अब आप लोग सोचो मैं एन में क्या डालूंगा कि मेरा आंसर कितना आएगा 56 आएगा, सिंपल 12 डालूंगा क्या, नहीं 10 डालूंगा क्या, नहीं 8, अगर हम 8 पुट करेंगे एन में, 8 सी थ्री की वैल्यू कितनी आएगी 56, तो तुम्हारा आंसर क्या है सी, सिंपल। ए की वैल्यू ए है नो टेंशन, बी की वैल्यू बी है नो टेंशन, एन तो पावर पता है, टी फोर आपने कितना दिया है 56, फोर्थ टर्म मतलब आर की वैल्यू क्या लेनी है 3, सारा डाल दो फॉर्मूले में, लेकिन हमको आंसर में ए भी चाहिए ही नहीं, इसको भूल जाओ, बचा एन सी थ्री 56, तो एन की वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी 8, तुम्हारा सी आंसर है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ उससे मिलता जुलता है, वापिस इफ द फोर्थ टर्म, आगे से फोर्थ टर्म, इस बार इसका एक्सपांशन करना है, तो आपको पता होगा एक्सपांशन करना है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी पी एक्स, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/x, एन तो एन ही है लेने की जरूरत नहीं है, फोर टर्म आपको दिया है 5/2, यानी टी फोर आपको कितना दिया है 5/2, आपको एन इंटू पी की वैल्यू निकालनी है, करते हैं चलो क्या आएगा बताओ, यहां पर फोर टर्म दिया है ना, तो आर की वैल्यू क्या लेनी है 3, डाल दो फॉर्मूले में, R की वैल्यू 3 यानी बन जाएगा 4, N पता है क्या, नहीं N निकालना है C, R की वैल्यू कितनी है 3, देखो R की वैल्यू 3 दी हुई है, A की वैल्यू कितनी है किधर गया PX, PX रेस टू क्या है N माइनस 3, N माइनस 3 मतलब क्या होगा, N की वैल्यू कितनी पता ही नहीं है, N माइनस 3 इंटू क्या B, B मतलब क्या है 1/x रेस टू R मतलब रेस टू 3, टी फोर आपको कितना दिया हुआ है 5/2, तो यहां लिखता हूं मैं 5/2 बराबर एन सी थ्री इंटू क्या है पी एक्स रेस टू कितना एन माइनस 3 1/x रेस टू 3। अब मुझे बताओ यहां पर आपको x के दो टर्म दिख रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे, अब मुझे बताओ ऊपर वाले x का पावर क्या है n माइनस 3 है, नीचे वाले x का पावर क्या है 3 है, दोनों को एक कर दो, एक कर दो मतलब क्या आएगा बताओ, मैं ऊपर ही सॉल्व करके दिखा रहा हूं रफली, देखो ये x रेस टू क्या है n माइनस 3 ऊपर है और नीचे वाला x क्या है 3 है, अभी डिवाइड है तो क्या हो जाएगा लॉ ऑफ इंडाइस लग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा x रेस टू क्या n माइनस 3 माइनस 3 सीखा होगा आपने, डिवाइड है मतलब क्या हो जाएगा माइनस, यानी ये देखो इधर क्या हो जाएगा x रेस टू क्या n माइनस 3 ये भी क्या हो जाएगा माइनस 3, तो n माइनस 6 हो गया, यानी यहां पर x रेस टू क्या है n माइनस 6 है पावर, क्या है n माइनस 6, लेकिन जो चौथा टर्म आ रहा है उसमें x है क्या, नहीं है, अब अगर उसमें x नहीं है मतलब ये है ही नहीं टर्म, यानी इसकी वैल्यू n माइनस 6 की वैल्यू क्या है 0, यानी n की वैल्यू क्या है 6, दिमाग लगाओ हमारा जो फोर्थ टर्म आया उसमें x है ही नहीं, जैसे पिछली बार a भी नहीं था तो x नहीं है, तो जो x का पावर है वो होमा हो क्या होगा 0, क्योंकि x का पावर 0 तभी तो वो नहीं है,
तो n माइनस सिक्स के बराबर लोगे जीरो, तो n की वैल्यू क्या है सिक्स। ओके अब अपने को n निकालना है। अब देखो x है ही नहीं, मतलब इसको सॉरी इसको नहीं, x वाले को भूल जाओ, x वाले को भूल जाओ, बचेगा क्या तुम्हारा बताओ, 5 बाय टू बराबर क्या बचा एन सी थ्री, एक्स भूल गया बचा क्या p, p क्या पावर है n माइनस थ्री, ये भी x भूल गया, 1 भूल गया। हमारा n कितना आया था, हमने n माइनस किसके बराबर लिया था जीरो के, तो n की वैल्यू क्या आई हमारी सिक्स, डाल दो इसके अंदर, 5 बाय टू बराबर n की वैल्यू कितनी है सिक्स, सिक्स सी थ्री इंटू पी रेस टू, यहां सिक्स पुट किया, सिक्स माइनस थ्री कितना हो जाएगा थ्री, सिक्स सी थ्री को सॉल्व करके देखो 20 आएगा आंसर। ओके मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 5 बाय टू बराबर कितना 20 इंटू पी थ्री, पी क्यूब 20 आके डिवाइड, यानी क्या बन जाएगा, मैं यहां सॉल्व करता हूं, क्या आ जाएगा बोलो, 5 बाय टू डिवाइड बाय 20, ऊपर का नीचे आ जाएगा ना, उधर क्या बचेगा तुम्हारा पी क्यूब, कुछ कट रहा है, 5 वन जा 5 कितने जा 4 जा, यानी पी क्यूब की वैल्यू क्या आई 1/8, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। आप लोग किसकी वैल्यू निकालनी है, एनपी की वैल्यू निकालनी है, तो बताओ एनपी की वैल्यू क्या आएगी, बताओ एन इंटू पी, एन हमारा कितना आया था 6, पी की वैल्यू क्या आई 1/2, आंसर क्या है 3, कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन है, कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में देखेंगे, थैंक यू वेरी मच।